तो दोस्तों देखिए, इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एग्जाम में आया था उसमें डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डेल्टा ओ की वैल्यू आपसे पूछी थी। उसमें कई कॉम्प्लेक्स दिए थे, फॉर एग्जांपल सीआर सीएन होल 6 3 माइनस एक कॉम्प्लेक्स था। दूसरा कॉम्प्लेक्स दिया था सीआर H2O होल 6 3 प्लस, और एक और कॉम्प्लेक्स दिया था सीआर F6 3 माइनस कॉम्प्लेक्स। इसमें डेल्टा वैल्यू पूछी थी। ये तो सिंपल था कि डेल्टा वैल्यू किस पर डिपेंड करती है, लिगैंड फील्ड पे। लिगैंड जब स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा तो डेल्टा वैल्यू ज्यादा होगी। तो जो फील्ड स्ट्रेंथ है लिगैंड की, वो साइनाइड सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है, फिर वाटर है, और जो फ्लोरीन होता है वो वीक फील्ड लिगैंड होता है। इन सब में सबसे वीक जो है वो फ्लोरीन है, इसलिए डेल्टा वैल्यू का ऑर्डर क्या होगा यहाँ पे, ये होगा। तो डेल्टा वैल्यू इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, डेल्टा वैल्यू ऑर्डर हो जाएगी, ठीक है। तो दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, जिसमें यहाँ पे पूछा गया था आपसे कि निकिल क्लोराइड की रिएक्शन कराई थी पीपीएच की, ट्राइफेनिल फॉस्फीन से, 4 मॉलिक्यूल ऑफ ट्राइफेनिल फॉस्फीन से रिएक्शन कराई गई थी, और इन्होंने कहा था कि यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स बनता है इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड। कार्बन डाइसल्फाइड की प्रेजेंस में एक कॉम्प्लेक्स बनता है जिसका फॉर्मूला होता है NiPPH3O4 का फॉर्मेशन होता है। अब इन्होंने कहा था कि ये जो कॉम्प्लेक्स बनता है ये कैसा होता है, डायमैग्नेटिक होता है, ठीक है। फिर इसके बाद एक और ने कहा था कि सेम मॉलिकुलर फॉर्मूला ये बनाता है, सेम मॉलिकुलर फॉर्मूले का जो होता है वो भी ऐसा ही होता है, लेकिन एक और कॉम्प्लेक्स ये बनाता है जिसका मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम होता है, बट वो कैसा होता है, पैरा मैग्नेटिक होता है। कैसा होता है, पैरामैग्नेटिक। तो आपको ये पता करना होगा कि ये डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स है। तो डायमैग्नेटिक मीन्स जो ये जो कॉम्प्लेक्स है डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स, इसमें आपको पता है कि डायमैग्नेटिक कब होता है, जब फॉरवर्ड कोऑर्डिनेशन नंबर हो, तो डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स तभी फॉर्मेशन होगा जब आपकी ज्योमेट्रिक एक्सिस हो स्क्वायर प्लेनर हो। दैट इज ये जो कॉम्प्लेक्स होगा वो मस्ट बी स्क्वायर प्लेनर होगा। तो इसके लिए देखेंगे स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स के लिए NiPPH3O4 जब ये स्क्वायर प्लेनर होगा तो यहाँ पे जो ऑर्बिटल्स होंगी, ऑर्बिटल्स कौन कौन सी होंगी, सबसे नीचे जो ऑर्बिटल होगी DXY होती है और DXZ ऑर्बिटल होती है। इसके ऊपर कौन सी ऑर्बिटल होती है, DZ स्क्वायर ऑर्बिटल होती है, ठीक है। उसके ऊपर कौन सी होती है, DXY होती है, और उसके ऊपर जो ऑर्बिटल होती है वो कौन सी होती है, DX2 माइनस Y2 ऑर्बिटल। ये क्या होता है, ये किसमें होती है, ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस के लिए होता है। ये जो 3 ऑर्बिटल्स होती हैं, 4 ऑर्बिटल्स, ये कैसी होती हैं, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होती है, बॉन्डिंग इन नेचर। और ये ऊपर वाली एक ऑर्बिटल होती है ये कैसी होती है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होती है। तो जब ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस होते हैं तो यहाँ पे जब ये कॉम्प्लेक्स बना रहा है NiPPH3O4 2+ कॉम्प्लेक्स बना रहा है, इसमें आप देख सकते हैं कि कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा निकिल का कॉन्फ़िगरेशन होगा D8। अब 8 इलेक्ट्रॉन इसमें हम फिल करेंगे तो कैसे होंगे, 2, 2, 4, 2, 6 और 2, 8 इलेक्ट्रॉन। तो देख लीजिए कि एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल जो है यहाँ पे एम्प्टी है, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल एम्प्टी है और टोटल इलेक्ट्रॉन जो है वो सारे के सारे पेयर्ड है, इसीलिए ये डायमैग्नेटिक है, ओके। अब ये बता रहे हैं कि जो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूले का कॉम्प्लेक्स बनता है, दैट इज NiPPH3O4 2+ कॉम्प्लेक्स बनता है जो कि पैरामैग्नेटिक है। इसका मतलब इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे, और अनपेड इलेक्ट्रॉन तभी पॉसिबल होंगे जब ये कॉम्प्लेक्स कैसा हो, टेट्राहेड्रल हो। दैट इज जब ये कॉम्प्लेक्स कैसा हो जाएगा, टेट्राहेड्रल होगा। तो टेट्राहेड्रल केस में जो ऊपर ऑर्बिटल होगी वो T2 होगी और लोअर एनर्जी ऑर्बिटल होगी वो E होगी, और ज्योमेट्री कैसी होगी, टेट्राहेड्रल होगी, ठीक है। अब इसमें 8 इलेक्ट्रॉन अगर फिल किए जाए तो कैसे होंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। तो यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 2 हो गए, और ज्योमेट्री कैसी होगी, टेट्राहेड्रल। तो यही आपसे पूछा था एग्जाम में कि इसकी ज्योमेट्री क्या होगी और नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन क्या होंगे। तो हमें पता है कि ज्योमेट्री कैसी होगी, टेट्राहेड्रल, एंड नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन 2 होंगे जब ये कॉम्प्लेक्स पैरामैग्नेटिक होगा, ओके। तो चलिए दोस्तों पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।